इस बुनाई में पांच फंदों की बुनाई है। किनारे पे शुरू में इसमें दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर धागा इधर करना है, फिर ये आगे वाला फंदा आगे, ये पीछे का फंदा है, इसको ऐसे बुनना है। इसके बाद इसके आगे वाला फंदा ऐसे बुनना है, फिर एक सीधा फंदा, और फिर ये पीछे से पहला फंदा छोड़ के दूसरा फंदा जो है ये ऐसे बिनना है, फिर ये जो आगे का फंदा था ये वाला, इसको ऐसे बनाना है। ये हो गए पांच फंदे, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा इधर को धागा करना है, फिर पांच उल्टे बनाने, 1 2 3 4 5, फिर वो रिपीट करनी है बुनाई। ये पीछे का फंदा ऐसे करना है, इसको ऐसे बनाना है सीधा, फिर इसके आगे वाले फंदे को भी सीधा बनाना है, फिर एक फंदा सीधा बनाना है, फिर पीछे को एक फंदा आगे को छोड़ के दूसरे फंदे को सीधा, फिर इसको ऐसे करना है, फिर ये वाला फंदा जो छोड़ा था उसको सीधा बनाना है, फिर धागा इधर लेना है, फिर पांच उल्टे फंदे बनाने, 1 2 3 4 5, फिर बुनाई रिपीट करनी है, पीछे का फंदा फिर बनाना है सीधा, फिर ये आगे का सीधा, फिर एक फंदा बिल्कुल सीधा, फिर ये पीछे का फंदा, ये पीछे वाला ये सीधा, फिर ये आगे का फंदा है जो, इसको ऐसे बनाना है ये, फिर किनारे के ये दो फंदे उल्टे बिनने हैं, 1 2। अभी दूसरी सिलाई है पीछे की तरफ, ये उल्टी बनानी है, 1 2, पूरी सिलाई ये उल्टी बनानी है, इसको जल्दी से बना देते हैं पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा। बुनाई की ये तीसरी सिलाई है, 1 2, किनारे के दो फंदे उल्टे, फिर ये फिर रिपीट करनी है बुनाई, ये पहला फंदा छोड़ना है, ये बुनना है ये वाला, ये सीधा फंदा बुना पहले, फिर ये आगे वाला सीधा, फिर एक फंदा ये बीच का सीधा, फिर ये आगे का फंदा छोड़ के ये वाला, इसको सीधा बिनना है, फिर इसको ऐसे करके, फिर जो ये आगे का फंदा है ये वाला, इसको बनाना है, फिर पांच फंदे उल्टे बनाने हैं। जो पहली सिलाई में उल्टे बनाए थे वो उल्टे ही बनेंगे। फिर ये बुनाई है, ये पीछे से पहला फंदा, ये दूसरा फंदा, फिर ये एक सीधा, फिर ये पीछे से ये पहला ये बनाना है, फिर ये आगे वाला बनाना है, इसको भी हम ऐसे ही, आपको अभी मैं पांच लाइन करके बताती हूँ दोबारा बुनाई। ये 6 लाइन बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6, आप चाहें तो इसको सीधे सीधे भी डाल सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से डाला है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला फंदा उल्टा, ये भी उल्टा, और जो ये पांच बुनाई के फंदे हैं इनको भी मैंने पांच उल्टे लिए हैं, 1 2
चार, पांच। और जो ये पांच उल्टे फंदे थे इनमें बुनाई स्टार्ट की है ऐसे करके। ये पीछे का फंदा है और ये आगे का, आगे वाला हमें पीछे करना है ऐसे करके। ये हमने इसको सीधा बुना, उसे भी सीधा बुना जो पीछे किया था। फिर ये एक फंदा बीच में सीधा बनाना है और फिर ये फंदा पहले बनाना है, इसको बाद में बनाना है। ये देखिए, ये ऐसे करके, और इसको हमने ऐसे ले लिया है। ये इसको हमने सीधा बनाया, इसको भी सीधा बनाया। ये जो बुनाई के थे पहले, इनको हमने उल्टे कर लिए पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब इस फंदे को पहले बनाना है, ये वाला फंदा, इससे आगे ये फंदा आगे लाना है ऐसे करके। ये ऐसे ऐसे करके इसको भी सीधा बनाना है, एक और ये सीधा। फिर ये बीच का बिल्कुल सीधा बनाना है। फिर ये दो फंदे हैं, जो पीछे वाला फंदा ऐसे लाना है और इधर वाला फंदा ऐसे करके लाना है। इसको इनको भी सीधा बनाना है। अब ये बुनाई वाला उल्टे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। और ये किनारे पे दो फंदे हैं, इनको तो सीधे उल्टे ही बनाते जाना है। अब ये नेक्स्ट सिलाई उल्टी है, ये इसको पूरी सिलाई को उल्टा ही बनाना है। इसको फिर सीधी सिलाई की तरफ आ गए हम, सीधे की तरफ। फिर हम मैं बताती हूँ दोबारा से आपको। ये उल्टा बनाया किनारे पे, ये दो किनारे पे दो फंदे उल्टे ही चलेंगे लास्ट तक। और जो ये बुनाई थी नीचे, इसके ऊपर उल्टे फंदे, ये पांच की बुनाई है तो पांच उल्टे फंदे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर इसको ऐसे ही करना है, इसको पीछे वाले को पहले बनाना है ऐसे करके। ऐसे भी बना सकते हैं, इसको सीधा बनाना। अब ये दो फंदे हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, पीछे का बनाया फिर ऐसे लाए, फिर ये आगे वाला फंदा, इसको ऐसे बनाया। ये पांच फंदे उल्टे, ये दो फंदे, ये ऐसे करना है। पीछे का फंदा पहले बनाना है ऐसे, आगे का बाद में ऐसे। इसको सीधा ही बनाना है। ये पीछे का फंदा है, ये वाला पहले ये पीछे का बनाना है, फिर इसको ऐसे लाके फिर हम इसको आगे वाला बनाना है, ये और ये फिर उल्टे। ये किनारे के तो उल्टे ही बनेंगे लास्ट तक। उल्टी सिलाई उल्टी ही बनेगी। देखो ये ऐसे आएगी, ये बुनाई, इसके ऊपर उल्टे आ जाएंगे। ये उल्टे थे तो इसके ऊपर बुनाई आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बना के आपको बताती हूँ। ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ये बुनाई। ऐसे ही एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। आप इसको सीधे सीधे भी डालेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन ऐसे भी डालेंगे पूरे स्वेटर में तो स्वेटर बन के बहुत सुंदर लगता है। फुल स्वेटर में बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है। अब क्या करना है, इसके ऊपर बुनाई आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर उल्टे आए तो उल्टे के ऊपर बुनाई
और बुनाई के ऊपर उल्टे, सेम ऐसे जो पहले जैसे ये पहले बनाया था सेम इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर ऐसे बनता चला जाएगा। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन लगेगा। मैं आपको एक बार फिर दोबारा दिखा दे बता देती हूँ। देखिए किनारे के तो दो उल्टे ही बनेंगे, लास्ट तक उल्टे ही बनते रहेंगे। और ये पीछे का पहले बनाना है ऐसे, फिर आगे का ये, फिर बीच का एक सीधा, फिर ये करना है, ये पीछे का बनाना है, फिर ये आगे का ऐसे बनाना है। फिर अब ये उल्टे पांच फंदे, जो ये बुनाई है इसके ऊपर पांच फंदे उल्टे। फिर जो ये उल्टे फंदे हैं इसके ऊपर बिनाई शुरू करनी है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है, एक बार आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए ऐसे बहुत ही सुंदर डिजाइन लगता है। थैंक यू।